सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को हिप हॉप के बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलने वाला है। सो हर बार की तरह वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखो। चलिए पहले ही बात करेंगे बेला के बारे में। सो बेला का न्यू ट्रैक मुर्दा घर यूट्यूब पे ड्रॉप हो चुका है। सो ट्रैक अगर आप लोगों ने सुन लिया है तो कॉमेंट करके बोलना ट्रैक आपको कैसा लगा। एंड इनकेस अगर अभी तक नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके चेक जरूर करना। तो चलिए अब बात करते हैं गौश के बारे में। सो गौश ने इस हफ्ते की हसल की अपनी परफॉर्मेंस में एमवे को शाउट आउट दिया है। परफॉर्मेंस के एक जगह पे एमवे का नेम ड्रॉप देखने को मिला है। सो लाइनें कुछ ऐसी थी, भूला नहीं भाई लोग को, हक इधर बनता है, देरेला वन साइड जैसे में बनताई। तो आपका इस पे ओपिनियन क्या है कॉमेंट करके बोलना। तो चलिए अब बात करेंगे मनिंदर बुट्टर और एमवे बनताई के बारे में। सो इन दोनों का कोलैब ट्रैक हमें 2024 के शुरू में ही देखने को मिलेगा। सो मनिंदर बुट्टर ने कुछ ऐसा स्टोरी लगाया एंड लिखा, MBXEB 2024 स्टार्ट, मैं हवा में हूँ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस ट्रैक के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। तो एमवे बनताई के बारे में बात हो ही रहा है तो बता दूं कि एमवे बनताई का ट्रैक रहम रिलीज होने के एक दिन के अंदर 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। एंड एमवे बनताई ने इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी डाला और लिखा, 1 मिलियन व्यूज इन अ डे, शुक्रिया सबको। एंड आपको तो पता ही है कि एमवे ने इस ट्रैक पे कृष्णा को डिस किया, बट ट्रैक के रिलीज होने के बाद कृष्णा के साइड से कोई भी डायरेक्ट रिप्लाई देखने को नहीं मिला। बट कृष्णा ने अपनी एक लाइव शो का क्लिप स्टोरी पे शेयर करा जिसमें लाइंस कुछ ऐसे थे, आपको तो पता ही होगा कि ये लाइंस भी एमवे बनताई पे इनडायरेक्ट शॉट था। बट देखते हैं कृष्णा के साइड से हमें डायरेक्ट रिप्लाई कब तक देखने को मिलता है। एंड क्या कृष्णा एमवे के इस ट्रैक का रिप्लाई करेंगे, आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए इस वीडियो में तो इतना ही। वीडियो अगर सही लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए खुश रहिए एंड सेफ रहिए।